हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हाले। तो अभी हम इस वक्त हैं हाले में। वो पीछे मेरे उस साइड रहा हाले विलेज। हमने थोड़ा आउटसाइड में रूम लिया बिकॉज रात को मिल नहीं रहे थे। ये भी बड़ी मुश्किल से मिला और हमारी बाइक्स वही ढाबे पर ही है। उन्होंने बोला यहीं पर छोड़ो, सामान वगैरह भी हमारा उधर ही है। और आज का प्लान हमारा है कि हम मलिंगला करेंगे, उसके बाद एक आगे विलेज है डेमचुक, वहाँ जाकर लास्ट विलेज है। उसके बाद चाइना का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, उससे 5 किलोमीटर ही है, वहाँ जाके वापसी आएंगे। एक रास्ते में पास भी आएगा फोटूला, वो भी करेंगे। वो 18,000 फीट समथिंग की फीट पे है, वो भी करेंगे आज। बाकी आज है डे 6, अभी तक कोई भी सांस की प्रॉब्लम नहीं आई, पर इधर आगे इतनी प्रॉब्लम आ रही है सांस की। वो ये विलेज ही 15,000 कुछ फीट की हाइट पर है। बोलते वक्त भी सांस चल रहा है, सोते वक्त भी सांस चल रहा है, बाकी सब करते वक्त सांस ही चल रहा है। बाकी इस व्लॉग में बने रहना, आज मलिंगला हम कॉन्कर करेंगे अपनी जीनोसों पर। बाकी देखते रहना ये वाला पूरा व्लॉग। ये हमारे रूम के पास है मनासी हानले की। ये देखो व्यू, देखो कितना बढ़िया शांति है। बर्ड्स की भी साउंड बढ़िया आ रही है, क्लियर आ रही है। अभी बस रेडी सेडी होके निकल लेंगे, अराउंड 8-8:30 हम निकल जाएंगे मलिंगला के लिए, ताकि 2-3 घंटे तो ऊपर जाते वक्त भी लगेंगे और 2-3 घंटे आते वक्त भी। तो देखते हैं कैसा रहता है आज का सफर। अभी हम होटल से जा रहे हैं जीप में, वो था हमारा होटल वो ऊपर देखो, और ये पाते खाते जा रहे हैं ढाबे तक। यहाँ तक बाइक तो आ सकती थी, पर काफ़ी घूमना पड़ता था, बिकॉज एक नदी आती है रास्ते में, उसमें बाइक नहीं निकलती। ठीक है, और ये खाओ इंस्टेंट नदी लो। अभी सीधा मलिंगला, मलिंगला वी आर कमिंग राजी राडी। तो ये रिवर क्रॉसिंग थी, इसके कारण हम गाड़ी से आए हैं, बाइक उधर ही छोड़ी है। बाइक मुश्किल हो जाती है इधर तो, वैसे निकलने तो बाइक भी निकल जाती, पर हम रात को आए थे, पता नहीं होता ना, आपको पता ही है रिस्क क्यों लेना। पानी ज़्यादा है, भैया खुद ही निकाल देंगे ना, तू चला रहा है। देखो पानी देखो, और बट्टे देखो कितने कितने बड़े बड़े है। हाँ बाइक नहीं निकलती। या भैया यू डिड इट। तो ये अपनी बाइक स्टार्ट कर दी हमने, ये सीधा रास्ता जाता है फोटूला टॉप होकर, हम इधर से जाएंगे। एक रास्ता आगे से जाता है, वो नॉर्मला टॉप होकर जाता है, वो पूरा कच्चा है, तो हमने इधर से ही जाना है। पिछले साल भी इधर से गए थे, तो यही बढ़िया है, और हमें पता भी है कैसा रूट है कैसा नहीं है। इधर से सीधा पहले आएगा फोटूला, बाद में आएगा उमलिंगला सॉरी। अभी हो चुके हैं हम रेडी। इसमें फ्यूल के 4 सेल है, 90 यहाँ से 90 किलोमीटर है, 90 जान 90 आन, 180 चल जाएगा पूरा पूरा। अरे भैया जी हो, ये रेस्टोरेंट से सामने को रास्ता जाता है फोटूला टॉप्स को, और फिर उमलिंगला, और आप दूसरी साइड से जाना चाहते हो वो रास्ता कच्चा है पर थोड़ा छोटा है, पर अभी हम रिस्क नहीं लेना चाहते, बिकॉज कच्चा रास्ता है, आपको पता है कच्चे रास्ते पर क्या होता है। आयो लेट्स हंट उमलिंगला ऑन आवर Z900। देखो 40 लिखा है, 28 किलोमीटर उमलिंगला है 92। आई लव हाले। अपने बंदे अभी रेडी शेडी हो रहे हैं। इधर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है भाई लोग, अगर आपके पास पेट्रोल कैरी नहीं करो आपको इधर मिल जाएगा ब्लैक में 150 में, देख लो इससे बेटर है कि पेट्रोल कैरी करो। ठीक है, बाकी ऑक्सीजन की कमी सच में बहुत है इधर आके महसूस हुआ, क्योंकि ये गांव ही 15,000 कुछ फीट पर है, और ऊपर से इधर रूम की दिक्कत बहुत ज़्यादा है। जो भी हाल ले आ रहा है जल्दी आ जाना, या फिर प्री बुक करके आना। हमारी किस्मत अच्छी थी, मिल गया, पिछली बार भी नहीं मिला था हमें, इस बार किस्मत अच्छी थी। अगर बाइक पर ना मिले फिर सोएंगे कैसे, आपको पता ही है, पिछली बार तो चलो गाड़ी में सो गए थे। तो हमारे तीनों राइडर्स, हम तीनों निकल चुके हैं, और तीनों ने अपनी जैकेट के ऊपर रेनकोट डाल दिए हैं, बिकॉज उसके पता क्या फ़ायदा होता है,
कि हवा अंदर नहीं घुसती, रेन कवर के साथ बची रहती है। कल मैं पहन कर चला रहा था, ये दोनों नहीं, इन्होंने नहीं पहना था, इनको ठंड लग रही थी अंदर पर मुझे नहीं। नीचे जितनी मर्जी लेयर डालो ठंड लगेगी, अगर आप रेन कवर ऐसा कुछ डालोगे ना, देखो हाँ ले है 15,300 पर, रेन कवर डालने के साथ हवा फ्रोस नहीं होती, बस ये फायदा है। और ऊपर से इधर लाइट भी नहीं होती, और मेरे GoPro की बैटरी भी नहीं ज़्यादा चार्ज, 54% है, ठीक है। बाकी मेरे पास दूसरा GoPro, अगर ये डेड हो गया, उसकी तीनों बैटरी चार्ज है, वो बहुत ही जल्दी डेड होगी, ये मुझे पता है तीनों की तीनों। तो देखते हैं क्या बनता है। अभी ऊपर को चल रहे हैं हम, चढ़ाई चढ़ रहे हैं फोटी लागी। ये लिया हमने एक शॉर्टकट, ठीक है। अपनी बाइक को तो चलो कोई कुछ महसूस ही नहीं होगा, सामने वाले को पता नहीं, पल्सर भी जा रही है आराम से, तो ठीक है। फिर तो हो हाल दे से ना ऊपर को ही जा रहे हैं हम 40 ला के लिए, उसके बाद थोड़ा बहुत मॉडरेट होगा, फिर थोड़े टाइम बाद मलिंगला के लिए चढ़ेंगे। 40 चढ़ के ना मलिंगला पता ही नहीं चलता कि मलिंगला आ गया, बिकॉज 40 ही 18,500 फीट पर है, बस 500 मीटर और ऊपर जाते हैं हम, और कुछ नहीं। और देखो राइडर्स ऊपर ही जा रहे हैं सभी, ऊपर ऊपर ऊपर, देखो वो जा रहे हैं, फिर ये पहाड़ घूम कर दूसरे पहाड़ पर चढ़ेंगे, ऐसे चढ़ते ही रहेंगे जब तक 40 नहीं आएगा। शॉर्टकट्स लेने का नतीजा भी चढ़ नहीं रही पल्सर। चढ़ गई, नहीं, धक्का ही लगाना पड़ेगा। देखो बाकी भी हंस रहे हैं कि लो और शॉर्टकट, वो देखो धक्का। चल अपनी तो चढ़ जाएगी, अपनी ना फंस जाए। देखो बाकी भी देख रहे हैं, ये हंटर 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 ओके शॉर्टकट्स अब नहीं लेने। अब पता चल गया, वो देखो निंजा 300 या 400, वो भी इधर से आ रहा था। वो भी चढ़ गया, चलो उसमें पावर है, पल्सर में नहीं है यार, पल्सर 200 cc है, हंटर 350-950, फर्क है। ये देखो दोनों बाइक की पूरी तरह फटी हुई है, धीरे धीरे चलते हैं, देखो 34 की स्पीड पर, मुझे इनके पीछे रहना पड़ रहा है, चलो कोई नहीं। और देखो पूरी जान लग रही है, पूरी जान, कोई भी पास करना इजी नहीं होता, कोई भी पास करना, बिकॉज खड़ी चढ़ाई होती है। देखो ऊपर ही जा रही है, अभी भी गाड़ी ऊपर जा रही है, अभी राउंड राउंड 10 किलोमीटर और होगा 40। देखो ऊपर वो देखो जिग जैग आपको दिख रहा होगा, पूरा जिग जैग बना हुआ है। सामने का सीन चेक करो, क्या ऑसम सीन है, और कितनी हाइट पर है इस सीन से आप गैस कर सकते हो, राउंड अभी 17,500-18,000 हम हाइट पर चल रहे होंगे, बहुत ऊपर है अभी, अभी तो और ऊपर जाना है मेरी जान। पहाड़ों में ना बाइक मेरे से जितनी मर्जी चलवा लो, पर पैदल नहीं चला जाता, सांस फूल जाती है। और बाइक पर जैसे मैं बोल रहा हूँ अब नहीं सांस फूल रही, अगर मैं खड़ा होकर बोलूँगा ना तो मेरी सांस फूलने लग पड़ेगी, पता नहीं ऐसा क्यों। और सारे ऐसे कूनी मोड है पूरे, उधर कहीं है पहाड़ के पीछे 40। ये हम पहुंच चुके हैं 40, वर्ल्ड्स 6th हाईएस्ट मोटरवेल पास। फीट क्लियरली विजिबल नहीं हो रहे, पता नहीं कितने फीट है, 18,000 समथिंग होंगे। पहुंच गए या अभी हम चढ़ेंगे, अभी हम नीचे उतरेंगे फिर चढ़ेंगे मलिंगला के लिए। तो इससे लिखा है वर्ल्ड 6th हाईएस्ट मोटरवेल पास 40, 18,124 feet, या लेट्स गो नाउ टू मलिंगला।
अभी नीचे उतरेंगे फिर ऊपर चढ़ेंगे मलिंगला के लिए। मलिंगला इजी है, यहाँ पर काफ़ी टर्न्स वगैरह थे, मौसम ठीक है। अभी फोटोला हमने चढ़ दिया, अभी नीचे उतरेंगे फिर मलिंगला के लिए चढ़ेंगे हम। एक रास्ता दूसरा आएगा, वो आएगा नूरबुला टॉप से, वो कच्चा है, ये पक्का है, हमें पक्के पसंद है ऐसे रास्ते। बस इतनी फीट पर कच्चे पर हम डाल दिए और बाइक फंस गई तो क्या करेंगे ब्रो, समझ सकते हो ना आप, या तो हमारे पास हो भाई बड़ी बड़ी बाइक्स, चलो मैं नहीं अपना बोल रहा, वो दोनों का बड़ी बड़ी बाइक्स हो ठीक है। पल्सर फंस जाती है 200 cc है बेचारी। ये लोग आ भी रहे हैं उमलिंगला करके, कितनी सुबह निकले होंगे जी, वाह। इस रोड के साथ हमारी पुरानी यादें काफ़ी है, जब हम पिछले साल गाड़ी में आए थे पता पंचर हो रही थी बार बार गाड़ी, वही पंचर लगा रहे थे, पंचर निकल रहा था, ऐसे आए हम हवा भर भर के हाले तक पहुंचे थे। अब खुद हिसाब लगा लो कैसे, रास्ते में फूटीला पास भी क्रॉस किया हमने, उमलिंगला से अराउंड 5-7 किलोमीटर नीचे आ गए, हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी, पंचर लगाते थे हवा निकल रही थी, हम हवा भरे थे हवा निकल रही थी, वही हवा भरते थे 20 किलोमीटर चलती थी हवा निकलती थी, फिर ऐसे हवा भरते थे, बहुत गंदी जाते हमारी। आपके सामने है इधर कुछ हो जाए, कुछ नहीं है करने के लिए, बस बंदा भगवान के नाम ले सकता कि हाँ भाई सही सलामत पहुंचा देना, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी हो गए काफ़ी टाइम, अगर नीचे ही उतरे नीचे ही उतरे, ये फोटेला पास डिफिकल्ट लगता है बिकॉज काफ़ी टर्न्स है काफ़ी ज़्यादा, उमलिंगला तो ईजी है, वो नहीं इतना डिफिकल्ट है। देखो कितनी हाइट पर, ये सीधा रोड है पूरा सीधा, और कितने बड़े बड़े पहाड़ों के बीच, मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में 70-80 की स्पीड पर। चुसुम्बले यहाँ से 8 किलोमीटर है, वहाँ देखते हैं अगर कुछ खाना हुआ तो, नहीं तो सीधा मेरे हिसाब से तो पहले उमलिंगला करते हैं फिर आकर खाते हैं कुछ, वो बेटर रहेगा। बाकी देखते हैं अपने दो और को राइडर्स से पूछ कर क्या बोलते हैं, वो जा रहे हैं सामने। देखो कैसा बढ़िया रोड, हवा इतनी ज्यादा चल रही है, इतनी ज्यादा चल रही है मुझे नहीं पता। ये सब ने हाथ मार दिया, पता नहीं हाथ क्यों मारा था, आई डोंट नो, फिर बोला जाओ। अच्छा मैं अब समझा सर मुझे क्यों हाथ दे रहे थे, बिकॉज उनको चाहिए थे लिफ्ट, और उन्होंने देखा मेरे पीछे तो कोई सीट ही नहीं है तो उन्होंने मुझे जाने दिया। ये देखो अपना को राइडर एक सर को लेके जा रहा है, तो ये सीधा रास्ता आता है नूरबुला टॉप से और ये ऊपर को रास्ता जा रहा है, आपको पता ही है उमलिंगला उमलिंगला। वेलकम टू वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटर ट्रैवल रोड, यू आर अप्रोचिंग वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफेटेरिया ब्रो कैफे। वाह जस्ट अमेजिंग। तो अभी हम वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटर ट्रैवल रोड पहुंचने वाले हैं, मतलब शुरू हो गया यहां से 25 किलोमीटर और ये रास्ता आता है नूरबुला टॉप से, ये अपनी जीनियस है और बाकी बाइक सभी बढ़िया चल रही है, तो अभी चलते हैं ऊपर 25 किलोमीटर और है, लेट्स कॉन्कर उमलिंगला टॉप। यहाँ रुके थे, यहाँ बोर्ड के साथ फोटो वगैरह खिंचवाई, अभी चलते हैं उमलिंगला। उमलिंगला हो मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है। उमलिंगला तो इजी है, उमलिंगला नहीं इतना टफ। देखो अभी उमलिंगला की चढ़ाई शुरू होगी, अभी ऊपर का जाएंगे 19,000 फीट तक। वाओ जस्ट अमेजिंग। जैसे
से हम ना फोटिला की चढ़ाई चढ़ते हैं, हालदे से सीधा ऊपर को ही जाते हैं, ऊपर को। पर इधर ऐसा नहीं है, इधर तो हम पहले ही हाइट पर होते हैं 16-17 हज़ार फीट पर, तो हम बस 2000 फीट ऊपर जाते हैं, तो इतनी ज़्यादा स्टीप वो नहीं है, इधर नॉर्मल सी हाइट है। देखो धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से ऊपर, ऐसा नहीं है, ईजी है, बलिंगला ईजी है। गोस ऑफ रोड, अगर रोड खराब हो ये भी टफ होगा। अभी तक का सबसे टफेस्ट पास मुझे लगा है सिलसिला, वो ख़त्म है वो, तो हाइट तो पता ही नहीं कितनी है, पर ख़त्म पास है गोस ऑफ रोड। वो भी डेमचुक 43 है, उमलिंगला होगा यहाँ से, इससे 28 माइनस कर दो 23 से 8 माइनस कर दो 15 किलोमीटर उमलिंगला। You are now higher than Everest base camp. यार ऐसे ना बोर जो होते हैं वो स्टिकर्स के साथ मत भरा करो यार, गंदा लगने लगता है। हमें पता है आप आए हो, कोई शॉप पर लगा दो, कहीं पर लगा दो, पर ऐसे जो बोर्ड होते हैं ना वहाँ पर मत लगाया करो, पूरे बोर्ड कवर होते हैं, पता ही नहीं चलता, हाइट वगैरह सब कवर कर देते हैं स्टिकर लगा के। अभी हम एवरेस्ट बेस कैंप से ऊपर बाइक चला रहे हैं गाइस, ऊपर बादलों के ऊपर चला रहे हैं हम, बादलों के ऊपर। बस 5 किलोमीटर और देन अपन लोग होंगे उमलिंगला में। इस व्यू के साथ आप गैस करो हम कितनी हाइट पर हैं। ये बड़े बड़े पहाड़ हैं वो हमसे नीचे हैं, इससे ऊपर नहीं हो सकता कुछ भी, इससे ऊपर बस माउंट एवरेस्ट ही है। देखो इससे ऊपर कोई पहाड़ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। देखो गाड़ी भी काला धुआं मार रही है, गाड़ी की पूरी बस हो चुकी है। चलो कोई नहीं, अपन तो धीरे धीरे चलते हैं, अपन को क्या है, अपने फेलो राइडर्स धीरे धीरे आ रहे हैं ना, बिकॉज अभी हो गया स्टीप स्लोप शुरू। देखो ऐसा लग रहा है बादलों के बीच में ही हैं हम, बस कोई पहाड़ हमसे ऊंचा नहीं है, सबसे ऊंचे हम। वन किलोमीटर मोर टू रीच उमलिंगला, ये उमलिंगला। आपको मैं नीचे से बता दूं, ये है अराउंड 83 किलोमीटर, नीचे लिखा होता है 92 पर उतना नहीं है, 83 किलोमीटर है, मैंने पूरा मीटर नोट किया है, ठीक है 83 किलोमीटर साल लेट उमलिंगला। वाह वाह वाह, नो रेस नो रैली, एंजॉय द ब्यूटी। आपको मैं अभी बता नहीं सकता मुझे कैसा फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है यार, बताने के लायक हो सकता हूँ मैं कि हाँ भाई हमने उमलिंगला किया, वो भी अपनी बाइक पर, गाड़ी में भी गए, गाड़ी में वो नहीं है, बाइक में हो रहा उमलिंगला सामने। वी हैव डन इट मैन, वी हैव डन इट। कोई और ऊंचा पास बनाओ, अब वी आर ओ वो करेंगे अब। We have done it, उमलिंगला। काफ़ी बंदे हैं यहाँ तो फोटो खिंचाने के लिए, हमारी बारी कब आएगी। वर्ल्ड हाईएस्ट कैफे, ये देखो ये भी सारे हिमालयंस। अपन लोग किधर लगाए, इधर लगा देते हैं। ये देखो Now you are at world's highest motorable pass, उमलिंगला, world's highest cafe, bro cafe, yeah, we have done it। अब लोग पहुंच चुके हैं उमलिंगला, देख लो बाइकर्स कितने ज़्यादा हैं, ठीक है, फोटो करवाने के लिए 10-15 मिनट लग गए हमें, अभी बस थोड़ी और फोटो खिंचवाते हैं इधर भी, फिर निकलते हैं। इट वॉज ईजी, कैसा लगा ब्रो, बाइक मिस मारी थी, पावर लैग हो रहा था, पावर लैग तो काफी था आपकी का, हमारी बहुत मुश्किल से, चलो कोई नहीं पहुंच गए, 200 सीसी है, बहुत जाम है इसमें, चलो अभी फोटोस वगैरह खिंचवाते हैं और निकलते हैं इधर से जल्दी जल्दी नीचे। तो चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से, आगे जाने का प्रोग्राम हमारा कैंसिल हो गया बिकॉज काफ़ी दूर है वो। ये देख लो वर्ल्ड हाईएस्ट पासिस उमलिंगला, खादुंगला तो पता ही नहीं कहाँ है, खादुंगला बहुत पीछे है, काकसांगला, फोटुला,
ओह माय गॉड, चलो चले हॉल हाईएस्ट ऑक्सीजन कैफे। वी डिड इट मैन, वी डिड इट, या बड़े, लेट्स गो। फास्टेस्ट पर ज़्यादा टाइम रुकना नहीं चाहिए, 19,000 फीट कम नहीं होता। अभी चलो नीचे को। ओह, हमने डेमचुक जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया बिकॉज यहाँ से 28 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता, फिर ऊपर आना पड़ता, कम से कम 2-3 घंटे लग जाते, तो उसमें हम लेट हो जाते, कोई फ़ायदा नहीं होता, हमें फिर हाल से रुकना पड़ता। हमारे पास टाइम की कमी वैसे ही बहुत कम है, तो अभी नीचे चलते हैं हाल ले, हाल ले अपना बाइक्स पर सामान लोड करते हैं, फिर निकलते हैं पांग के लिए। देखते हैं अगर पांग पहुंच हो गया तो, हमें टाइम नहीं पता कितना, बिकॉज यहाँ पर चाइना के टावर पकड़ लेता है, बिकॉज आगे चाइना का ही बॉर्डर है, तो हाल ले जाकर टाइम देखते कितना हुआ है। अभी बस यहाँ पर ही स्नो है मलिंगला पास में, बाकी बिल्कुल भी स्नो नहीं है। देखो नीचे स्नो, बस यही है थोड़ी बहुत जो है। तो अभी हम चुसुम्बले में रुके हैं, मलिंगला टॉप करके आके ये वेज पुलाव खा रहे हैं, ये खा के हम हाल नहीं रुकेंगे, सामान पैक करेंगे और निकल जाएंगे जहाँ तक पहुँच हो गया। बाकी सांस की प्रॉब्लम काफ़ी है यहाँ पर, पानी पीते रहो, खाते रहो, चॉकलेट्स खाते रहो, मज़े लेते रहो। आप क्या बोल रहे हो भैया? बिल्कुल ठीक है, सांस की प्रॉब्लम है नहीं क्या? वाक्य वाक्य चल बोल क्या वाक्य चल आइए दौड़ आया चल बराबर आनी।